नमस्कार, खबर जरा हटके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे 8 साल की उस बच्ची की जिसके दिमाग में 100 से भी ज्यादा केचुए के अंडे पाए गए। 8 साल की बच्ची जो तेज सिर दर्द से परेशान थी, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मिर्गी आने की भी शिकायत थी, ऐसे में उसके माता पिता उसे नई दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहां फौरन बच्ची का सीटी स्कैन कराया गया और रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची इस हालत में भी जिंदा है ये सोचकर चमत्कार पर विश्वास होने लगता है। दरअसल डॉक्टरों को बच्ची के दिमाग में 100 से भी ज्यादा उजले धब्बे नजर आए। ये धब्बे केचुए के अंडे हैं। दिमाग में केचुए के अंडे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान परेशान हो गए। खून से केचुए के अंडे उसके दिमाग तक जा पहुंचे थे। इस दरमियान बच्ची का वजन भी 20 किलोग्राम बढ़ गया था। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठा कि ये केचुए उसके दिमाग तक पहुंचे कैसे। डॉक्टरों के मुताबिक खाना खाने के दौरान केचुए के अंडे शरीर में पहुंचे और नर्वस सिस्टम के जरिए ब्रेन में पहुंच गए। जब बच्ची अस्पताल पहुंची तब चलने फिरने की अवस्था में न थी और सिर में सूजन की वजह से अचेत अवस्था में थी, लेकिन अब हालत में सुधार है। तो मुद्दे की बात ये भी है कि खाना पकाते समय भी सुरक्षा के जरूरी उपाय करना जरूरी है, यानी कि सब्जियों को ठीक से धोकर या उबालकर न खाने से पेट के रास्ते कीड़े दिमाग में जा सकते हैं। और सावधान रहिए अपने आहार के प्रति और साफ सुथरा खाएं और स्वस्थ रहें।